हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरशद खान फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी रिएक्शन। एंड टुडेस वीडियो आई हैव रिएक्ट टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेकंड सीजन तबलीगी जमात बाय आवर वाइंस। इनका जो पहला सीजन था वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ सेकेंड सीजन के पहले एपिसोड पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियाज भाई, अगर देखा जाए तो कई दिनों से अख्तर साहब मस्जिद नहीं आ रहे, कोई खैर खबर मिली है? अमीर साहब, कोई खैर खबर नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पहले अख्तर साहब की तरफ गश्त करते हैं, खैर खैरियत पूछ लेते हैं उनकी। जी मुनासिब, पहले अख्तर साहब की तरफ गश्त करते हैं। यार बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं ये। हिफाजत और जिक्र अस्कार के साथ, सुभान अल्लाह, नजरों की हिफाजत, सुभान अल्लाह। अमीर साहब मैं जाऊं? जाओ अमीर, जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अख्तर साहब क्या बात, अल्लाह पर भरोसा, तबलीगी जमात सीजन टू। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अख्तर साहब, कई दिनों से मस्जिद नहीं आ रहे, खैरियत है? कहीं शैतान का परला तो बारी नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है, आपको पता है नया नया कारोबार खोला है और कारोबार को टाइम नहीं देते तो नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मस्जिद के लिए टाइम निकालता हूँ, कारोबार को अगर टाइम नहीं दिया तो खराब हो जाएगा। अख्तर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, किसी भी चीज़ को अगर टाइम नहीं दो तो वो ख़राब हो जाती है। अख्तर साहब, लाइफ को बैलेंस करना है। हम अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगते हैं, जब सवाल दोनों की करते हैं तो एक चीज़ के पीछे क्यों भागते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट का टाइम नहीं दे रहा था तो रेस्टोरेंट काफ़ी ख़राबी की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जब मैं टाइम देने लग गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में बरकत डाले। आमीन आमीन। अख्तर साहब, बातें तो बहुत है लेकिन हमें इस टाइम शदीद भूख लगी है, किसी करीबी रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं। आप अगर फ्री हो तो हमारे साथ चलो, मज़ा आ जाएगा। अमीर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब मेरा अपना रेस्टोरेंट है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत? आपकी मुबारक। अमीर साहब है वैसे बहुत होशियार, तो बरकत आ जाएगी। अमीर साहब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, चलो सब साथ में चलते हैं। अख्तर भाई, आपकी ये रेस्टोरेंट का स्पेशलिटी क्या है? हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी मटन रिब, प्लेटर, स्टेक्स, हांडियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। और मुझे पता है अब आप लोकेशन का पूछेंगे तो भी मैं बता देता हूँ, हमारा जो रेस्टोरेंट है रिंग रोड में HBK के अंदर खान टेनर के नाम से है। अच्छा, प्रमोशन भी साथ में हो रही है। मैंने लोकेशन का पूछा ही नहीं था वीडियो के अंदर, लेकिन आपने अब एक किसी रेस्टोरेंट की प्रमोशन, तो लोगों का भला हो जाएगा। और अख्तर साहब, खजूर का जूस मिलता है? जी बिल्कुल हादी भाई, वो भी मिल जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अमीर साहब ये मेरा रेस्टोरेंट खान टेनर के नाम से। अख्तर साहब, खान टेनर का खान मतलब टाइनर समझ में नहीं आया। नकाश साहब, खान टाइनर। मैं अख्तर खान, और अभी आपको आए अंदर विजिट कराता हूँ, सारा कंटेनर्स का टीम है, तो इन दोनों को मिला के मैंने खान टेनर नाम रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन नाम रखा है, अल्लाह इसमें बरकत डाले। नाम वैसे अच्छा, खान टेनर।
और यहाँ पे मैंने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, क्योंकि आप हर मुश्किल वक्त में बोलते हैं मुस्कुराहट, ताकि कोई भी इसे पढ़े मुस्कुराए, क्योंकि हमारा इतना प्यारा दीन है कि मुस्कुराने से भी सवाब मिलता है। मुस्कुराहट बोल देना, क्या बात है। मुस्कुराहट, आमिर साहब नजरों की हिफाजत, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज बैठती हैं, हम ऊपर रूफ टॉप पे चले जाएं। नजरों की हिफाजत अस्तगफार के साथ, माशाल्लाह। हाँ जी आमिर साहब, ये मेरा छोटा सा गरीब खाना। इलियास भाई दुआ करें कि अख्तर भाई के रेस्टोरेंट में दुआ के लिहाज उठाएं। दुआ करो जी, दुआ करो, कारोबार में बरकत डाले। आमीन। या रब्बुल आलमीन अख्तर साहब के रेस्टोरेंट में कस्टमर की बारिश करें। आमीन। या रब्बुल आलमीन अख्तर साहब को दुनिया और आखरत में कामयाबी अता फरमाएं। आमीन। या रब्बुल आलमीन आप अख्तर साहब को इतना अता करें कि वो आपकी राह में अपनी जान और माल कुर्बान करें। आमीन। सुम आमीन। जी अमीर साहब तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। अच्छा अमीर साहब, अब आप बताएं, आपने मेन्यू से कुछ डिसाइड करना है या मैं अपनी मर्जी का ऑर्डर दे दूं? मैं तो कहता हूँ आपका रेस्टोरेंट है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, तो आप ही ऑर्डर कर दो। बाकी दोस्तों का क्या मशवरा है? अख्तर साहब आप ही ऑर्डर कर दो। जी ज़रूर। जवाद यार, ऐसे करो एक मटन रिप कर दो। जी सर। एक प्लेटर कर दो। एक प्लेटर हो गया। और एक खास देसी घी में अमीर साहब के लिए कढ़ाई कर दो। एक खजूर का जूस भी कर लो। थैंक यू सर। यार कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। अमीर साहब मैं तकाजा करके आता हूँ। जी आ जाए। यार तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है, इस पैसों पे हम नशे की दवाई ले लेते हैं, रिस्क का जिम्मा वैसे भी अल्लाह ने लिया हुआ है। यार देखो बिल्कुल लिया है, मगर हमारे पास पैसे हैं और इस पैसों से हम नशे की दवाई लें, ये कौन सी अकल की बात है? मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, नशे की दवाई का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया हुआ है। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, दो ही मिनट में आ रहा हूँ। चलो यार इमरजेंसी, वेटर बात सुनो यार, वो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे। आप लोग का ऑर्डर तैयार है सर। यार इस तरह करे, हमारा ऑर्डर इनके लिए ला दे, ले पेमेंट। قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. मैंने क्या कहा था, अब यकीन क्या बात, बेशक रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, अल्लाह पे भरोसा। रिज़्क़ का ज़िम्मा वाकई अल्लाह ने लिया, बेशक। अख्तर भैया हमने क्या सीखा, एक लड़का जो कि गलत चीज़ पे अपने दोस्त से बहस कर रहा था कि हमारे पास जो पैसे हैं उस पे काना नहीं खाते हैं, उस पे नशे की दवाई लेते हैं, क्योंकि रिज़्क़ का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया। उसका तरीका बेशक गलत था, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पुख्ता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बेहतरीन खाने से नवाजा। अख्तर भाई आप कहते हो कि आपका कारोबार है, अगर उस कारोबार में से थोड़ा सा टाइम आप अल्लाह के लिए निकालोगे तो आप बताओ आपका कारोबार कैसे ख़राब हो सकता है। ये दुनिया एक दलदल है, इसमें जितना डीप जाओगे डूबते जाओगे। उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय फरेब के और कुछ नहीं। तभी हमारे बड़े कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन, महीने में तीन दिन और साल में 40 दिन अल्लाह के राह में गुजारने चाहिए, ताकि इस काम की मोहब्बत हमारे दिलों में ज़िंदा रहे। सब बोलो सुभान अल्लाह। अमीर साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बातें की हैं, और इंशाल्लाह आज के बाद मैं दीन के काम को अपना काम समझूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि रेस्टोरेंट के काम को अपना काम समझूंगा, ताकि दीन की मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा रहे। सब बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जबरदस्त है। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, निकलने का मजा दे, तबलीग में चलने का मजा दे, निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, तायफ में गए। सुभान अल्लाह, ये अपनी हर वीडियो में मैसेज बहुत ज़बरदस्त देते हैं और इस वीडियो में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया है। वैसे अवर वाइंड्स की वीडियोस लोग बहुत पसंद करते हैं, पहले ये कॉमेडी वीडियोस बनाते थे और उन कॉमेडी वीडियोस के अंदर भी कोई ना कोई मैसेज होता था, लेकिन कॉमेडी की तरफ पे आज ये सीरियस किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं। जैसे ये तबलीगी जमात इसका सीज़न 2, इसके अंदर भी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देते हैं। जो पिछला सीज़न था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत मकबूल हुए और इनकी जो अदाकारी जो ये कर रहे हैं बहुत ही आला। पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। तबलीगी जमात का दूसरा सीज़न और उसकी पहली एपिसोड में अब इस वीडियो के अंदर भी उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा एक मैसेज दिया है कि जो इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि रिज्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने सर पे लिया है। अल्लाह ताला ही रिज्क का जामिन है, वही रिज्क देने वाला है और दुनिया के कामों के साथ साथ थोड़ा सा दीन की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, उसको भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है, तो अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।